वो जो रास्ता है मंदिर दिखा रही हो सामने सामने अच्छा हाँ जो मंदिर अच्छा सुरंग सुरंग थी अच्छा सभी को नमस्कार, मेरा नाम है मोनू झा और आप देख रहे हैं मोनू के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा दरअसल हम अभी झांसी से आ रहे थे, झांसी से हम उरई की तरफ जा रहे थे। तो हमें इस हाईवे पे झांसी उरई के लगभग आधे सफ़र में तो हमें देखने को मिला इस बिल्डिंग के बारे में, तो हम इधर देखने चले आए। और गांव का नाम है अमरगढ़, तो ये किला है, अमरगढ़ का किला है और यहाँ पे मंदिर भी है। और यहाँ के जो मुख्य महंत हैं हम आप लोगों को उनसे मिलवाते हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और फिर सारी बात हम अपने यहाँ के जो महंत हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं, फिर वो आपको सारी जानकारी देंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए हम मिलते हैं। नाम बता दीजिए। बलराम भगत। अच्छा अच्छा आप यहाँ कब से हो? हम जब से जीवन नहीं चाहिए। तो महाराज जी ये बताइए कि ये इस किले की क्या खासियत है और यहाँ पे कौन से राजा राज करते थे? राजा उदल मलखान इनके गुरु हैं यहाँ पर जी, बिना विद्या पढ़ विभाग राजा उदल मलखान के अमर जी गुरु महाराज हैं, गुरुद्वारा है। अच्छा आला उदल के जो गुरु थे उनका क्या नाम था? अमर गुरु। अच्छा अच्छा ये उनका ही किला है? अच्छा यही रहते थे। अच्छा और यहाँ पे क्या मंदिर भी है? के नाम से मंदिर है। कोई अभी उनकी फोटो वगैरह होगी मंदिर में? मंदिर। और यहाँ से जुड़ी हुई क्या है जानकारी? बंगला बना ऊपर में, 12 द्वारी का बंगला है, 13 द्वारी की दानार खम्ब, 88 की बैठक है, चंदन का सारा सामान ऐसा बंगला है। राजा का योग समतल वाली जो राजा है रणजीत सिंह जी, जो पिताजी विनय के नाम चल रहा, पिताजी रहे कहना। अच्छा अच्छा जूदेव सिंह जी विनय के नाम चल रहा। अच्छा अच्छा तो चलिए महाराज जी ने यहाँ काफ़ी अच्छी जानकारी दी है और चलिए अंदर चलते हैं। आगे जो मंदिर है, मंदिर हम देखते हैं और कैसा मंदिर बना हुआ है। और हम आप लोगों से बस यही कहना चाहते हैं कि आप भी लोग यहाँ आएँ, अगर इस हाईवे से निकलें तो प्लीज़ यहाँ पे आके और देखें, मंदिर बहुत सुंदर है। और चलिए देखते हैं मंदिर कैसा बना हुआ है, किधर है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। तो मंदिर में हम चल रहे हैं, कौन से दर्शन करने। अच्छा देखिए सभी लोग, महाराज जी कुछ सामग्री वगैरह है और महाराज जी अभी सभी लोगों को दर्शन करवाएंगे। तो आप लोग सभी लोग वीडियो बने हैं, अगर आप लोग इधर से निकले तो इस मंदिर पे जरूर बता रहे हैं, मंदिर बहुत सुंदर है। जो आप लोग देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, यहाँ के ये मुख्य महान है अच्छा तो मंदिर के दर्शन आप लोग करिए और यहाँ पे आपको महाराज जी और भी जानकारी देंगे और भी यहाँ के बारे में बताएंगे। और फिर मंदिर के बाद हम चलते हैं, किला भी देखेंगे कैसा मंदिर हुआ है और सारी चीज। जी महाराज आप कहना चाह रहे हैं? जी हमारे गुरु हैं जी, सत्य महाराज हैं। अच्छा अच्छा जी, इसके अंदर कुंड है गुरु जी का। अच्छा गुरुनाथ है गुरु जी का कुंड है। अच्छा अच्छा हाँ,
इसमें पैसे डालते थे पहले इसमें कुंड में, तो ये अंदर जाते थे। इसे गुरु जी का कुंड है, हमारे गुरु बाबा का। अच्छा, ये यहाँ की खासियत है। हाँ, इतिहास का। अच्छा, इतिहास का कुंड है। इसमें पैसे डालते थे। हाँ, वो नीचे जाते थे कुंड में खनकते हुए। हाँ, कुंड है, इसके अंदर कुंड है। अच्छा, वहाँ से जल निकलता है। हाँ, जल नहीं निकलता, इसमें पैसे डालते थे। ये हमारे सिद्ध बाबा है। सिद्ध बाबा। हाँ, सिद्ध साधक बाबा। काफी प्यारा, काफी सुंदर, काफी भव्य मंदिर है। बहुत पुराना इतिहास का मंदिर है जी। अच्छा अच्छा। हाँ, पुराना इतिहास का मंदिर है जी। हाँ। और ये भोला जी का मंदिर, ये भी भोला जी पुराने उनके गुरु जी ये हैं। अच्छा, ये भोला जी हैं जी, हमारे पुराने इतिहास के ये भी गुरु जी है, इनका भी नाम है पूरा। अच्छा, इतिहास में। हाँ, कहीं भी चले जाओ ऑल इंडिया ने गुरु जी का नाम है इतिहास में, गुरु जी का, हमारे गुरु बाबा का नाम से इतिहास में हर जगह, कहीं भी चले जाओ ऑल इंडिया। क्योंकि ये तो गुरु थे। हाँ जी, गुरु। हाँ, आला उद्धव भी गुरु थे। हाँ, तो जब आला उद्धव ने इतना नाम कर दिया तो उनके गुरु का मतलब नाम ही काफी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, और क्या क्या है यहाँ पे? और जे अलग दल की देवी है जी गुरु की। चलिए, हम आपको देवी दिखाते हैं। जी, हमारे गुरु बाबा की ध्वजा है जी। अच्छा, निशान है जी बाबा का। अच्छा, ध्वजा है। हाँ, देख लिया आप, चले गए मेरा भी कुछ लंबाई से। अरे, काफी लोग फौजी लोग भी आते हैं, काफी लोग बाहर से भी आते हैं। हाँ, ध्वजा। अच्छा, मतलब कोई खास बात है? खास मतलब यहाँ पे इसकी स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई? ये पहले ही से थी, पुरानी स्थापना। अच्छा अच्छा, पुराने टाइम से। हाँ, पुराने। और ये गुरु जी की ध्वजा है। हाँ, ये गुरु जी की ध्वजा है। अच्छा, गुरु जी जब यहाँ रहते थे तब उन्होंने ये ध्वजा का मतलब उन्हीं ने लगाया, उन्हीं के हाथ की लगी हुई, उन्हीं के हाथ का। तो किला इधर तक बना हुआ। अच्छा, गुरु जी के साथ में और कौन कौन रहता था? देवी जी रहती थी और साथ में सब। उनकी सेना करवा दी। ठीक, आगे की जानकारी महाराज जी देते हैं। और यहाँ पे आकर काफी अच्छा लग रहा है, काफी पुरानी चीजें सुनने को आ रही है। इससे पहले भी हमने सुना था बहुत टाइम पहले कि एक सेना पत्थर की हो गई, तो उसके बारे में अभी और विस्तार से जानते हैं। और ये आला उद्दल के गुरु जी का है किला, है ना महाराज जी? ये किला बैठक। अच्छा, ये बैठक है या उनकी सभा वगैरह होती है? वो जो रास्ता है मंदिर दिखा रही और सामने सामने। अच्छा, जो मंदिर। हाँ, रास्ता है। अच्छा, सुरंग सुरंग थी। अच्छा, सुरंग सुरंग। एक मिनट, हम महाराज जी को ये बताते हैं कि महाराज जी ये बता रहे हैं कि उधर जो मंदिर दिख रहा है ना वहाँ पे, वहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे नीचे सुरंग है, ये कहना चाह रहे हैं महाराज जी। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा जी, सुरंग है। अच्छा अच्छा, महाराज जी ये कहना चाह रहा है यहाँ की एक जो दूसरी सुरंग जो है वो उधर साइड को गई थी, वहाँ पे दिखा वो जो मकबरा बना हुआ है वहाँ पे नीचे नीचे सुरंग गई थी। अच्छा, सुरंग क्यों गई थी? इसका लगभग ये हो सकता है कि इस किले पे कभी आक्रमण वगैरह हो तो यहाँ के जो मुख्य मतलब राजा हो वो इधर जा सके, सेना को चकमा देके, ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, वो क्या था महाराज जी को? रानी महल। रानी महल, राजा महल। अच्छा, जो राजा महल, तो रानी राजा मतलब वो उनके जो गुरु थे उनकी रानी। हाँ, उनकी रानी पुरानी बने ना, आजकल तो बने राजन के जब भी राज रह जाओ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अंग्रेजन के टाइम के बाद। अच्छा, जहाँ पे शीश महल है तो शीश रेखा महल। अच्छा, ये शीश महल है ऊपर बना हुआ कि शीश को महल। अच्छा अच्छा, दिखाओ जरा शीश महल दिखाओ। टूट गया क्या? अच्छा, इसकी देख रेख कब से नहीं हो रही? बहुत समय हो गया, हो ही नहीं रही ना। अच्छा, और ये सरकार में भी नहीं आया होगा? और वो तो विभाग में
गुरु जी थे, बस उन्होंने बताया और वही रहते हैं, नीचे मंदिर है, मंदिर की सेवा करते हैं और वही रहते हैं, ये कोई पुरातत्व विभाग के अंदर नहीं है। और यही सब जानकारी थी, थोड़ी बहुत जानकारी और होगी तो वो भी हम आपको बताएंगे वीडियो में, आप लोग बने रहें, है नहीं? बहुत बढ़िया किला है, ले कहाँ तो बोतल आंगन किला बहुत सुंदर है, किला के बारे में क्या ही बताएं, जय सुरंग थी क्या ये चारों तरफ महाराज यही थी क्या सुरंग कि ये पानी निकलने के लिए अच्छा ये पानी निकलने के लिए था सुरंग, कहीं और से होगी नीचे होगी बंद कर दी गई होगी, चारों ओर थोड़ा दिखा दीजिए, किला काफी ऊंचाई पे है, पहाड़ों पे बना हुआ है, इधर देखो इधर से महाराज जी को दिखा चलो, ये क्या है?